हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा को कुछ दिन पहले ही लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, यह सीरीज का सबसे पावरफुल फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा है। इसमें क्वाड रियर कैमरा सेटअप, एस पेन सपोर्ट और 16 GB तक की रैम जैसे फीचर दिए गए हैं। दोस्तों, भारत में इसकी कीमत की बात करें तो 1,05,999 रुपये है। वहीं इसकी टॉप वेरियंट की बात करें तो दोस्तों, यह 1,16,999 रुपये में है। हमने इस फ़ोन को कुछ दिन इस्तेमाल किया है और आपके लिए इसका रिव्यू सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा रिव्यू लेकर आए हैं। दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा का लुक बेहद शानदार, पहली ही झलक में यह आपको प्रीमियम डिवाइस लगने लगेगा। यह मैट फिनिश के साथ आता है, जिस वजह से ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी अच्छा नज़र आता है। इसमें आगे की तरफ बेजल और क्वार डिज़ाइन वाली H2H स्क्रीन दी गई है। फ्रंट कैमरा के लिए छोटा पंच होल दिया गया है। फ़ोन IP68 रेटिंग के साथ आता है। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। दोस्तों, फ़ोन के फ्रंट और बैक पैनल के प्रोटेक्शन के लिए इसमें गोरिल्ला ग्लास दिया गया है। यह कंपनी का पहला स्मार्टफोन है जो नोट सीरीज का ना होते हुए भी एस पेन सपोर्ट के साथ आता है। हालांकि यह एस पेन फ़ोन के साथ में नहीं आता है, इसे आपको खुद खरीदना पड़ेगा। दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.8 इंच का क्वाड प्लस डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है और HDR10 प्लस का सपोर्ट करता है। आप रिफ्रेश रेट को 10 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक एडजस्ट कर सकते हैं। यह डिस्प्ले वीडियो का फोटोज देखने और बाकी काम में आपको प्रभावशाली बनाता है। दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा स्मार्टफोन एंड्रॉयड 11 बेस्ड UI 3.1 पर काम करता है। दोस्तों, यह फ़ोन दो वेरियंट में आता है, 12 GB रैम और 16 GB रैम के साथ आता है। दोस्तों, और स्टोरेज की बात करें तो 256 GB स्टोरेज और 512 GB स्टोरेज के साथ मिलता है। दोस्तों, सैमसंग ने फ़ोन के भारतीय वर्जन में 2105G प्रोसेसर दिया गया है, जबकि अन्य देशों के प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ पेश किया गया है। दोस्तों, फ़ोन के परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें किसी प्रकार की शिकायत नहीं आती है। इसमें आप हैवी गेम हाई ग्राफिक सेटिंग पर खेल सकते हैं। फ़ोन में सैमसंग डेस्क का भी सपोर्ट दिया गया है, जिसके जरिए आप फ़ोन और लैपटॉप दोनों से फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हालांकि फ़ोन में स्टोरेज को मेमोरी कार्ड की मदद से बढ़ाने की सुविधा नहीं दी गई है। दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में कैमरे की बात करें तो इसमें F1.8 अपर्चर के साथ 108 MP का प्राइमरी सेंसर दिया गया है। इसके अलावा 12 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस है, जिसका अपर्चर F20.2 है। साथ में 10 MP के दो लेंस दिए गए हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से मेन लेंस 12 MP सेटिंग पर काम करता है, जिसे आप बदल कर 108 MP भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी आती है, जो 25 W फास्ट चार्जिंग और 15 W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। यह एक घंटे में करीब 70% तक चार्ज हो जाता है। फ़ोन की बैटरी 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ पूरे दिन आराम से चल सकती है। हालांकि कंपनी फ़ोन के बॉक्स में चार्जर नहीं देती है। दोस्तों, इस फ़ोन में कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें 5G 4G LTE Wi-Fi 6E ब्लूटूथ GPS NFC USB Type-C पोर्ट और अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा 5G का एक शानदार प्रीमियम स्मार्टफोन है। यह काफ़ी पावरफुल परफॉर्मेंस और शानदार कैमरा क्वालिटी के साथ आता है। इसकी बैटरी और डिस्प्ले भी बढ़िया है, साथ ही एस पेन सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा यूजफुल भी बन जाता है। हालांकि फ़ोन के साथ चार्जर नहीं आता है, जो आपको खुद खरीदना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसका फ्रंट कैमरा जो है 40 MP का है, जो कि बहुत ही अच्छा सेल्फी कैमरा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।